गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गोल्डन ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में जानेंगे। इस ऐप में सभी स्कूलों को अपनी रोज़ की अटेंडेंस, यानी कि बच्चों का भी और टीचर्स का भी अटेंडेंस देना है, जो कि 11 बजे तक आपको दे देना है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो आइए हम लोग खोलते हैं गोल्डन ऐप को। ये खुल रहा है इसको, अब ये जो ऊपर वाला है आप देख रहे होंगे, ये वाला गोल्डन एजुकेशन ऐप। ये मैं बेगूसराय से हूँ, तो ये बेगूसराय का आ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना है, तो इसको हम खोल के देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आप देखिए, ये ऐप पेज खुल गया है गोल्डन एजुकेशन बेगूसराय का। तो देखिए इसको खोलते हैं फिर से। अब इसमें देखिए ये तीन चीज़ें खुली हैं। ये देखिए अपडेट वाला है, वीकली अपडेट, मंथली अपडेट, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप रिपोर्ट में कुछ त्रुटि है तो उसको यहाँ से खोल के कर सकते हैं। ये सेकेंड डेली रिपोर्ट वाला है 1 to 10 का, और आपका जो क्लास है तो उसको कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है इसका, ये मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैं HM हूँ, तो ये मेरा नाम आ रहा है और स्कूल का ID आ रहा है। यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है इसीलिए ये आ रहा है। यहाँ से आप जब रिपोर्ट डाल के आप साइन आउट कर सकते हैं। चलिए रिपोर्ट करके देखते हैं आज का, मैं करती हूँ अपने स्कूल का और देखते हैं क्या होता है। देखिए अब ये जो मैंने खोला, एक मिनट, तो इसको देखिए यहाँ पे है एलिमेंट्री के लिए, ये सेकेंडरी के लिए है, फिर यहाँ ये टीचर्स के लिए है, एलिमेंट्री वाले टीचर्स। जैसे मेरा एलिमेंट्री स्कूल है तो ये मैं इसमें करूँगी रिपोर्टिंग, और जिनका सेकेंडरी स्कूल है उनके टीचर्स की रिपोर्टिंग इसमें होगी, टीचर्स अटेंडेंस इसमें जाएगा, और इसमें बॉयज़ अटेंडेंस के लिए। ये दोनों चीज़ें बॉयज़ अटेंडेंस के लिए, और ये दोनों चीज़ें आपको टीचर्स अटेंडेंस के लिए। तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं उसमें। तो देखते हैं हम अपना पहले करते हैं, बॉयज़ अटेंडेंस डालते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना अटेंडेंस, और यहाँ पे ऐड न्यू का है, तो हमें नया अटेंडेंस आज का देना है क्योंकि 10:50 हो चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपना कर लेती हूँ ऐड न्यू करके। चलिए इसको आज का अटेंडेंस देते हैं। देखिए अब आपका आ जाएगा, डेट आ गया, देख रहे होंगे, मेरा डिटेल्स आ गया यहाँ पे, और मेरा स्कूल का आज इसको डालते हैं। क्लास वन में लड़कों की संख्या मांग रहा है पहले, तो हम लड़कों की संख्या देंगे। क्लास वन में मेरा आज प्रेजेंटेशन है, 9 लड़के हैं। फिर आपको क्लास वन में लड़कियों की संख्या है, 8 बच्चियां उपस्थित हैं आज। फिर क्लास टू का है लड़कों की संख्या, 13 है। क्लास टू में लड़कियों की संख्या आज 19 बच्चे ही आए हैं, क्योंकि अभी छुट्टी का आज पहला दिन है तो बच्चे कम आए हैं। लड़कियों की संख्या हो गई 19। तो क्लास थ्री का हम लोग करेंगे, लड़के उपस्थित हुए हैं आज, लड़के जो हैं उपस्थित हुए हैं आज 13 ही बच्चे उपस्थित हुए हैं लड़के। फिर लड़कियों की संख्या डालते हैं, लड़कियां भी 13 ही हैं, 13 डाल देंगे। उसके बाद क्लास फोर में आएंगे, क्लास फोर का 14 लड़का है और लड़कियों की संख्या 13 है, उपस्थिति जो आज की है। फिर क्लास फाइव में आएंगे, क्लास फाइव में 15 लड़के आए हैं और 14 लड़कियां आई हैं, ठीक है। क्लास सिक्स मेरा नहीं है, 7 नहीं है, तो मैं उसको टच नहीं करूंगी और इसको मैं अब सबमिट कर देती हूँ। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए एक अपडेट वाला ऑप्शन है और एक वर्किंग वाला है। तो जब हम
वर्किंग मोड में डालेंगे तो हम बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं कि कोई त्रुटि हो गई, मिस्टेक हो गई डालते हो तो उसको अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको अभी अपडेट नहीं, वर्किंग मोड में ही रखती हूँ। चलिए वर्किंग मोड में करके उसके बाद हम ये जो यहाँ पे ये सबमिट दिख रहा है लिखा हुआ, इसको हम सबमिट कर देते हैं। चलिए सबमिट करके देखते हैं हम। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड देखिए यहाँ दिखा रहा है कि आपका रिकॉर्ड सेव हो गया, जो आज का अटेंडेंस था बच्चों का वो हो गया। तो चलिए हम उसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग आते हैं टीचर्स अटेंडेंस की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप नीचे भी स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर्स अटेंडेंस, यहाँ पे भी है। देखिए ये टीचर्स अटेंडेंस के लिए ये एलिमेंट्री स्कूल के टीचर डालेंगे और ये सेकेंडरी वाले डालेंगे। तो मेरा एलिमेंट्री स्कूल है तो मैं अपने एम्प्लॉई का डाल देती हूँ। इसको टच करेंगे हम लोग और अब खुल गया मेरा। देखिए ये पेज जो मैंने पहले से कर रखा है और ये आज का फिर हम डालेंगे, तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको दिया गया है फाइल और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे नए जो आज का जो डेली वाइज जो हम डालेंगे टीचर्स अटेंडेंस वो यहाँ इसको ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तब हमारा खुलेगा पेज। तो आइए खोलते हैं उसको, क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे। देखिए मेरा स्कूल का डिटेल्स आ गया और दैनिक विद्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रतिवेदन। ठीक है, 11 बजे तक, तो आज की डेट है 12/11 दिख रही है यहाँ पे, ये डेट है, ये आज का, ये पूरा खाली है कॉलम। अब मैं इसको भरती हूँ। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कार्यरत विद्यालय के कर्मचारियों की संख्या, तो मेरे यहाँ कुल 6 टीचर हैं, मेरे यहाँ टोटल 6 टीचर हैं तो मैंने डाल दिया। अब विद्यालय में उपस्थित पूछ रहे हैं तो हम लोग 5 उपस्थित हैं और 1 अनुपस्थित है। ठीक है, ये तो मैं उसका डाल दूंगी 1। अब अनुपस्थित कर्मचारी का नाम पूछा जा रहा है, तो हमारे एक शिक्षक हैं शिव कुमार पासवान, जो कि अभी प्रतिनियुक्त हैं, तो इनको यहाँ देना पड़ेगा मुझे कि ये क्यों अनुपस्थित है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है CL EL SL, कंपनसेशन लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, डिप्टेशन, तो ये डिप्टेशन वर्क में है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिप्टेशन डाल देती हूँ, ये डिप्टेशन में है। डिप्टेशन, ये डिप्टेशन में है, तो इनका मैंने डाल दिया। अब पाठ टीका लिखने वालों की संख्या पूछी जा रही है उपस्थित में से, तो हम 5 हैं तो हम 5 लिखेंगे पाठ टीका, इसीलिए ये डाल दिया। ठीक है, अब अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों का नाम पूछा जा रहा है, अगर आपके विद्यालय में है तो आप डाल सकते हैं, मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी इसको। अब इसको हम वही है, इसको हम अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये अपडेटेड वाला ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट का स्टेटस। आप क्या चाहते हैं, अपडेटेड चाहते हैं या फिर वर्किंग में ही डालना चाहते हैं, और यहाँ पे सबमिट है, तो आइए इसको कर देते हैं। ये अपडेटेड को मैं वर्किंग कर देती हूँ, या आप अपडेटेड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड सेव्ड, जो मैंने टीचर्स अटेंडेंस डाली तो ये सेव हो गया वहाँ पे, अब ये दिखेगा। अब इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए आज की डिटेल्स आ गई 12/11 को, 1 डिप्टेशन में और 5 उपस्थित हैं टीचर, तो ये मेरा अटेंडेंस हो गया। ओके, ये बैक वाला है जो मैंने डाला है। तो इसी तरह हम लोग मोबाइल से ही इसको कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी वे में हो जाता है, इसीलिए हम लोग कर लेंगे। और आशा है आप लोग समझ गए होंगे।
अब ये मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी तरह आप सभी टीचर्स जो भी स्कूल में HM हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में ही आसानी से आप 2 मिनट में अपडेट कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट डाल सकते हैं और अपडेटेड हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।